हाउस टैक्स बढ़ाकर आपने जनता को दिया धोखा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का दावा, क्या रिबेट को कम कर आपने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि बीजेपी की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने भी एमसीडी में जन विरोधी नीतियों पर अमल करना शुरू कर दिया है। एक योजना के साथ आपकी सरकार ने दिल्ली नगर निगम की जनता पर हाउस टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। दिल्ली की मेयर शैली ओबराई का यह फैसला एमसीडी चुनाव के दौरान लोगों से किए गए वादों के खिलाफ है। अनिल चौधरी का कहना है कि निगम घोषणा पत्र में 10 गारंटी योजना में हाउस टैक्स से राहत संबंधी कोई घोषणा नहीं की थी, मतलब आम आदमी पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से हाउस टैक्स में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स में रिबेट की योजना का कांग्रेस की निगम सरकार ने शुरू किया था, जिस पर आप पार्टी ने प्रहार करके दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने निगम की सत्ता में आते ही दिल्ली की जनता पर हाउस टैक्स का अतिरिक्त बोझ डालना शुरू कर दिया है। अब हाउस टैक्स में 100 मीटर क्वाड एरिया तक की ऑनरशिप रिबेट मिल सकती है, जबकि 2022 तक ये ऑनरशिप रिबेट 200 मीटर पर ही मिलती थी। उन्होंने कहा था कि यह भी आश्चर्य की बात है कि जो संपत्ति मालिक टैक्स ऑनलाइन जमा करा रहे हैं, उन्हें मिलने वाली पेमेंट स्लिप पर भी ऑनरशिप रिबेट 200 मीटर से घटाकर 100 मीटर कर दिया गया है। दिल्ली की जनता से धोखा करने का आरोप। अनिल चौधरी का आरोप है कि पहले महिलाओं को 200 मीटर क्वाड एरिया पर ऑनरशिप रिबेट 30% मिलती थी, जबकि उनको भी 100 मीटर पर मिलेगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी ने हाउस टैक्स कम करने का वादा किया था, परंतु हाउस टैक्स देने वालों को मिलने वाली रिबेट को कम कर दिया। यह दिल्ली की जनता से सरासर धोखा है। क्या ईमानदार टैक्स पेयर पर बढ़ा टैक्स का बोझ। साल 2022 तक निर्धारित समय पर हाउस टैक्स जमा कराने वाली संपत्ति करदाताओं को 15% की रिबेट दी जाती थी। आम आदमी पार्टी की निगम सरकार ने उसे भी घटाकर 10% कर दिया है। आप पार्टी की टैक्स कलेक्शन की नीति में बदलाव के कारण ईमानदार हाउस टैक्स जमा करने वालों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से आहत दिल्ली की जनता पर केजरीवाल की निगम और दिल्ली सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। उन्होंने कहा कि संपत्ति मालिक महिला हो या फिर पुरुष, हाउस टैक्स पर मिलने वाली रिबेट 2022 तक मिलने वाली रिबेट के अनुसार ही मिलने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमजी मीडिया न्यूज़।